सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष बैंक अकाउंट के बारे में। बेसिकली भाई इस वीडियो में माइनर अकाउंट का आप लोगों को पूरा मैं डिटेल देने वाला हूं, कैसे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें हमें फीचर्स बेनिफिट क्या मिलेगा, इसका चार्जेस क्या रहता है, कोई हिडन चार्ज, ये ज्यादा भाई क्वेश्चन रहता है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे कि आप लोग यहां पर स्क्रीन शॉट देख सकते हो, कुछ इस तरह का भाई स्क्रीन शॉट आप लोग देखोगे इंस्टाग्राम पे, जब भी मैं स्क्रॉल करता हूं तो ये भाई हद से ज्यादा भाई आता है मेरे पास उत्कर्ष अकाउंट के बारे में, जो भाई माइनर का डिटेल देता है, मतलब कि माइनर अकाउंट के रिलेटेड में सजेस्ट करता है। सो बेसिकली इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम चलते हैं इसके वेबसाइट पे और जितना भी डिटेल रहता है आप लोगों को भाई क्लियर हम बताते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम आ चुका अपने भाई वेबसाइट पे। बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए लिंक मैंने भाई डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, लिंक पे आप क्लिक करोगे सीधे चल जाओगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे भाई बताया गया उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे पर्सनल लोन वगैरह बिजनेस के रिलेटेड में भी आप लोगों को यहाँ पे फीचर्स और बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है। बट हम बात करने वाले भाई माइनर अकाउंट के बारे में, मुद्दे से अपना भटकना नहीं चाहिए। सो उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए अकाउंट का सेक्शन मिल जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे सेविंग अकाउंट एंड नीचे में स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट बताया जा रहा है, प्रीमियम सेविंग अकाउंट बताया जा रहा है, जेनेक्स सेविंग अकाउंट बताया जा रहा है, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। So, ये जो भाई नाम है ना जेनेक्स सेविंग अकाउंट, यही आपका अकाउंट होने वाला है अगर माइनर के रिलेटेड में आप ढूंढ रहे हो तो। और बेसिकली अगर आपको 18 प्लस अकाउंट चाहिए तो प्रीमियम हो गया या स्टैंडर्ड हो गया, आप इसमें से भाई अपना अकाउंट चॉइस कर सकते हो, या अदरवाइज बेसिक सेविंग अकाउंट डीप स्मॉल बैंक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली इसमें आप लोगों को एक नाम का दो दो बार रिपीटेड है, लेकिन उसमें क्या है ना अलग अलग थोड़ा वर्ड यहां पे मिसिंग है। सो बेसिकली हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम यहां पे बात करने वाले हैं जेनेक्स सेविंग अकाउंट के। सैलरी अकाउंट भी चाहिए इसमें आप लोगों को ओपन हो जाएगा। सो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो यहां पर देख लीजिए आप लोगों को बताया जा रहा है जेनेक्स सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा, और यहां पे आप लोगों को स्पेशली यहां पे बताया गया माइनर सेविंग अकाउंट आप लोगों को यहां पे देखने को मिल जाएगा जहां पे मेरा एरो है। बाकी नीचे में यहां पे बताया जा रहा है इंट्रोड्यूस योर चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ बैंकिंग विद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो भाई जेनेक्स सेविंग अकाउंट के बारे में बताया गया है, जो कस्टमाइज स्पेशली फॉर किड अंडर द 18 एज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मतलब कि ये जो आपका अकाउंट है माइनर के स्पेशली आप लोगों को दिया गया है और ये आप लोगों का अंडर 18 में ही अकाउंट ओपन होगा। सो नीचे में हम स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे एक अप्लाई का बटन है, इसके रिलेटेड में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका भाई फीचर्स बेनिफिट देखें। सो एलिजिबिलिटी का बात करें तो अगर आपका चिल्ड्रन 18 एज से कम है सो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो, यहां पे देखने को मिल जाएगा। बेनिफिट का बात करें इसमें बेनिफिट आप लोगों को क्या दिया गया, फैसिलिटी टू ऑटो ट्रांसफर फंड टू माइनर अकाउंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, कस्टमर आर अनलिमिटेड आप लोगों को यहां पे फ्री डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन मिलेगा, मतलब कि एटीएम से आप जाके अनलिमिटेड आप कितना भी ट्रांजैक्शन करो आप लोगों को यहां पे फी नहीं लिया जाएगा। सो भाई ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जितने भी ब्रांच है ना, आपका पीएनबी हो गया, स्टेट हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या आपका सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये आप लोगों को 6 बार ही लिमिट प्रोवाइड करती हैं। 6 बार से ज्यादा महीने में अगर आप ट्रांजैक्शन कर देते हो तो एक ट्रांजैक्शन का 21 या 29 रुपीस चार्ज लिया जाता है, लेकिन इसमें एटीएम विड्रो का जो भाई डोमेस्टिक आप लोगों को दिया गया अनलिमिटेड, कितना भी आप एटीएम से पैसा विड्रो करो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहां पे देख लीजिए आप लोगों को बताया जा रहा है लो एटीएम विड्रो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली एसएमएस जो आपका अलर्ट रहेगा वो भाई फ्री है, और इंटरेस्ट रेट यहां पे बताया गया है जिसमें आप लोगों को कितना कितना यहां पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। अगर आपका बैलेंस अप टू 1 लाख रुपीज है 4.25% का आप लोगों को इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर 1 लाख से भाई 25 लाख के बीच में सो यहां पे 6.5% का आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। और यहां पे देख लीजिए बताया जा रहा है आप लोगों को 25 लाख के ऊपर अगर बैलेंस है सो यहां पे आप लोगों का 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। सो ये भाई आपका बेनिफिट यहां पे देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करें फी एंड चार्जेस के बारे में सो यहां पे देख लीजिए एवरेज बैलेंस यहां पे रिक्वायर्ड बताया जा रहा है, कम से कम अगर आप मेट्रो और अर्बन सिटी में हो तो आप लोगों को बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और यहां पे सेमी अर्बन एंड रूरल में हो आपका तो यहां पे सिर्फ 750 रुपए बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो भाई यहां पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो बेसिकली ये भाई मेंटेनेंस चार्ज है यहां पे देखने को मिल जाएगा मेंटेनेंस। अगर आप बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखोगे तो आपका बैलेंस इसमें भाई कम रहता है, सो 125 रुपीज आपको पर क्वार्टर बैलेंस यहां पे आपका चार्ज कर सकता है। नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो ब्रांच कैश ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, जो यहां पे कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शन फी आप लोगों को लिमिट बताया गया है 5 लाख का ऑप्शन मिल जाएगा। कैश आपको डिपॉजिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो यहां पे 10 ट्रांजेक्शन आप लोगों को भाई फ्री में रहेगा। और बाकी यहां पे देख लीजिए चार्ज बॉन्ड फ्री लिमिट का ऑप्शन मिल जाएगा जो 20 रुपीज रहेगा। कैश विड्रो का यहां पे फैसिलिटी मंथ में अनलिमिटेड है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एटीएम से अगर आप कैश विड्रो वगैरह करते हो अनलिमिटेड आप लोगों को यहां पे देखने को मिल जाएगा। कैश विड्रो चार्जेस यहां पे बताए गए नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि भाई आपका यहां पे कैश विड्रो का चार्जेस यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। बाकी नीचे में यहां पे देख लीजिए इसके रिलेटेड में डीपी या डीपीओ इंश्योरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, सो इसके रिलेटेड में हम ना ही करें सो बेटर रहेगा, क्योंकि भाई इंश्योरेंस हर एक अकाउंट में दिया जाता है लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता इंश्योरेंस करो। यहां पे भाई चेकबुक का बात करें सो यहां
यहाँ पे देख लीजिए चेकबुक आप लोगों को बताया गया है यहाँ पे फ्री आपको लेवल दिया जाएगा, वन ऑफ फ्री आप लोगों को चेकबुक प्रोवाइड किया जाएगा जो 20 पेज का आप लोगों का चेकबुक रहेगा। और बाकी अगर इन फ्यूचर अपना भाई चेकबुक दोबारा इशू करवाते हो तो आप लोग यहाँ पे चार्जेस लग सकता है। और नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए NFT RTG MPS का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे RTG सो आप लोगों का फ्री रहेगा, NFT आपका वो फ्री रहेगा। और यहाँ पे MPS पेमेंट जो रहेगा अप टू 1,00,000 रुपए करते हो तो 5 रुपए चार्जेस कटेगा, और 1,00,000 से 2,00,000 के बीच में करोगे तो आप लोगों का 15 रुपए चार्जेस कट सकता है। सो यहाँ पे ये भाई MPS का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। और बाकी यहाँ पे फोन बैंकिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फ्री है, SMS अलर्ट आप लोगों का भाई ये भी फ्री है। नीचे में यहाँ पे डिपॉजिट के बारे में बताया गया, डोर स्टेप आप लोगों को बैंकिंग सर्विस यहाँ पे नहीं दिया जाएगा बिल्कुल, यहाँ पे आपको डोर स्टेप बैंक सर्विस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अदर आप लोगों को चार्जेस यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि आपका ईमेल स्टेटमेंट आप लोगों को फ्री में मिलेगा, क्वार्टरली फिजिकल स्टेटमेंट ये भी आप लोगों को फ्री में देखने को मिल जाएगा, मतलब कि आप अपना फिजिकल स्टेटमेंट ले सकते हो, बहुत जगह जरूरत पड़ जाता है सो बाय पोस्ट के थ्रू आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा, वो भी फ्री में। बाकी यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल कर सकते एड्रेस के यहाँ पे सिग्नेचर का, अगर आप अपना फोटो भाई यहाँ पे चेंज वगैरह करवाते हो तो वो सब में इसमें आप लोगों को डिटेल दिया गया है। और नीचे में अकाउंट अगर क्लोज करवाओगे तो यहाँ पे देख लीजिए अप टू 14 डेज के अंदर आपका अकाउंट क्लोज होगा, सो ये भाई नील है। यहाँ पे अबव 40 डेज टू अप टू 12 मंथ का आपका अकाउंट है, सो यहाँ पे 500 रुपए चार्ज लगेगा, अप टू 12 मंथ है वो भाई नील है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली न्यू अकाउंट है और आप अपना अकाउंट ओपन करके क्लोज करवाओगे सो चार्जेस आपको देना पड़ सकता है। अब बात करें भाई इसमें अप्लाई हम कैसे करेंगे, सो बेसिकली अप्लाई का बटन मिल जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए सिलेक्ट अ प्रोडक्ट हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाएगा आपका ब्रांच, आपके एरिया में अगर ब्रांच है सो ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे आपका महाराष्ट्र हो गया, अलग हर एक स्टेट इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो इसका भाई जिस स्टेट में भाई ब्रांच है उनका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सो मैंने यहाँ पे अपना भाई स्टेट सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर रैम एंड यहाँ पे आपका देख लीजिए सिटी, यहाँ पे आप लोगों को सिटी अपना भाई सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका सिटी रहेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर एंड यहाँ पे देख लीजिए नियरेस्ट ब्रांच आप लोगों को बताया गया है, आपका नियरेस्ट ब्रांच कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगा वो इसमें से आप भाई सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके घर के पास में भाई ब्रांच पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आई एम नॉट रॉबर्ट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, समित पे क्लिक कर देना है। बेसिकली आप भाई समित पे क्लिक करोगे ना तो इनके अधिकारी जो है मतलब कि बैंक के कर्मचारी हैं वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। और एक बात आप लोग ध्यान में रखना, जो नंबर इसमें आप दोगे वही नंबर आपका चालू होना चाहिए, इसमें भाई आपका कॉल आता है डेफिनेटली, ये नहीं कि भाई आपने इसमें अप्लाई कर दिया कॉल नहीं आएगा, ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कॉल आता है आपको पूरा डिटेल दिया जाता है। अगर ब्रांच में विजिट करने लायक रहते हैं तो ब्रांच में आप लोगों को बुलाया जाएगा, या नहीं तो ऑनलाइन का भाई फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। सो ये भाई आप लोग अपने ध्यान में रखना, बाकी आप लोगों भाई जो भी डिटेल देना था मैंने पूरा भाई एक्सप्लेन कर दिया, अदरवाइज आप लोगों को कोई क्वेश्चन रह जाता है सो नीचे भाई मेरे से कमेंट करके आप लोगों भाई मेरे से पूछ सकते हो। सो वीडियो पसंद आता है लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।